इस बार जो वोट कर रहे हैं आदिवासी मूलवासी सरेकला के, वो गणेश माली के ओर से वोट कर रहे हैं। दल बदलू का बात कर रहा था ये चंपाई सोरेन, ये बदनामी करके जो इधर से उधर किया, ये उसका पत्ता कटने वाला इस बार सियोर है। और गणेश माली इस बार यहाँ से भारी मतों से जीत रहा है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है सरायकेला के गीता मैदान में, जहाँ पर झामुमो के प्रत्याशी गणेश माली के नामांकन के बाद जो है नामांकन सभा का आयोजन किया गया है। इस नामांकन सभा में आपको बता दें कि हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी है, साथ ही जो है कुल्हान भर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी बड़े लीडर जो है यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप मंच पर जो आप देख पाएंगे कि झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाईबासा से विधायक, सब कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, सिंहभूम की सांसद जुबा मांझी, गणेश महाली हरद्वार से विधायक दशरथ जगराई, मंत्री रामदास सोरेन आदि सभी नेता जो है यहां पर मौजूद है। साथ ही जो है भीड़ बता रही है कि यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जो है वो काफी उत्साह है। वे चाह रहे हैं कि यहां पर जो है वापस से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने। आइए हम यहां पर कुछ लोगों से जुड़ते हैं और उनसे सीधा बात करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है सरायकेला। अब जो है यहाँ पर चंपाई सोरेन भाजपा के हो गए और दावा कर रहे हैं कि लोग जो है परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहें? यहाँ सरायकेला विधानसभा में ये इस बार प्रत्येक कई बार से चंपाई सोरेन माने बाजी मारते हुए आए हैं और इस बार निश्चिंत रूप से इस बार चंपाई सोरेन इस सरायकेला विधानसभा में वो हारेंगे। ये निश्चिंत रूप से हम लोग का ये इतना बार विधायक बना, विधायक बनने के बाद उस सरकार भी बना, वो उसके कारण से भी कुछ अभी तक कुछ कामे नहीं किया है। और ये बीजेपी सरकार बोलता है ये किए वो किए, अब हेमंत सोरेन इतना सालों से 5 सालों में से अभी कुछ कोरोना काल में 2 साल बीत गया और कुछ साल बचा, वो कुछ साल में अभी क्या काम करेगा? जो भी किया बहुत आदिवासी मूलवासी के लिए बहुत कुछ किया है हेमंत सोरेन सरकार। अब मैया सम्मान योजना दे रहा, घर घर में सबको एक घर में 5 आदमी को 3 आदमी को इस तरह का मिल रहा मैया सम्मान योजना, और बिजली बिल सारा 70,000, 80,000, 50,000 किसी किसी का इस तरह का था, बिजली बिल माफ किया, केसीसी लोन किसी का 2 लाख रुपया था, किसी का 1 लाख रुपया था, वो सब माफ किया, बहुत कुछ किया है। और चंपाई सोरेन इतना दिन विधायक रहे कभी यहाँ सरायकेला में कुछ नहीं किया अभी तक, इसीलिए उसको चंपाई सोरेन को इस बार हम लोग सब कोई मन बना कर रख दिया, हम लोग को आदिवासी मूलवासी सबको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इस बार हम लोग का गणेश को विधायक सरायकेला प्रखंड में बनाना है। चंपाई सोरेन की सभा में जो है इससे दुगुनी भीड़ जो है वो दुखी है, इस पर क्या कहना चाहिए? भीड़ में वोट में तकदीर होने से भीड़ जाना जाता है। इस बार जो वोट कर रहे हैं आदिवासी मूलवासी सरायकेला के, वो गणेश माली के ओर से वोट कर रहे हैं, तीर धनुष छाप में वोट करेंगे। और ये जो दल बदलू का बात कर रहा था ये चंपाई सोरेन, ये बदनामी करके जो इधर से उधर किया, ये उसका पत्ता कटने वाला इस बार सियोर है। उनका ऐसे दल बदलू की बात करेंगे तो गणेश महाली भी भाजपा छोड़ करके झाबुओं में आए? नहीं, ये कुछ कारण था ये कि खरसवा में उनको टिकट भाजपा देने वाला था, उसमें से चंपाई सोरेन ही अपना अड़ंगा किया, उसके कारण मजबूरी में गणेश महाली झामुमो में जाके और हेमंत सोरेन उसको इज्जत दिया और टिकट भी दिया, और गणेश महाली इस बार यहां से भारी मतों से जीत रहा। गणेश महाली की सभा में जो भीड़ जुटी है, ये भीड़ क्या बता रही है, वोट किधर जाएगा? ये भीड़ गणेश महाली की जीत बता रही है और इसको एकदम गणेश महाली का विजय होगा इस बार और हेमंत सरकार की सरकार बनेगी। देखिए इस बार सरायकेला की जनता जो है वो किसके साथ जाएगी? इस बार सरायकेला विधानसभा की जितने भी जनता है सभी का समर्थन जेएमएम में है और आने वाले विधायक के रूप में हम लोग आदरणीय गणेश माली जी को हम लोग अपना विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन पिछले 25 सालों तक सरायकेला का नेतृत्व करने वाले जेएमएम के तीर धनुष के साथ चंपाई सोरेन जो है वो अब बगावत कर चुके हैं और वो कमल के साथ चले गए हैं, तो क्या कमल को वोट नहीं जाएगा?
नहीं, हम लोग तो हरगिज उसमें नहीं जाएंगे और बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग का समर्थन हम लोग हमेशा से जेएमएम का रहा है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि इस बार सरायकेला की जनता जो है वो हमें ही वोट करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज जेएमएम पे ही है। जेएमएम इस बार आराम से जीत रही है। इनका कहना है कि जेएमएम इस बार जो है आराम से जीत दर्ज करेगी। यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, किसको वोट करेंगे इस बार? जेएमएम को इस बार, जेएमएम हमारा सर। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि सरायकेला की जनता हम लोग को वोट करेगी। नहीं नहीं, यहाँ का सरायकेला का जनता जितना सब जेएमएम को ही वोट करेगी। इनका तो कहना है कि गणेश माली जो है भारी मतों से जीतेंगे और कोल्हान में झामुमो की सरकार रहेगी और झारखंड में भी झामुमो की सरकार रहेगी। आइए हम आगे कुछ महिलाओं से बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है। महिलाएं मौजूद है, आइए हम सीधा इनके पास चलते हैं और जानते हैं आप लोग किसको वोट करेंगी। हम लोग को किसको वोट करेंगे? हम लोग को हेमंत को वोट करेंगे। लेकिन चंपाई दा तो बोल रहे हैं कि इस बार महिला जो है वो हम लोग को वोट करेगी। हाँ, जो पैसा देगा वही ना वोट करेंगे। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in